सो हेलो एवरीवन, कैसे बच्चे लोग। वंस अगेन अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आई वेलकम यू इन द न्यू सीरीज ऑफ फिजिक्स कोर्स चैनल। मेरा नाम अंकित। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एंगुलर मोमेंटम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंगुलर मोमेंटम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ वॉच द प्रीवियस लेक्चर, अदरवाइज यू विल स्किप फ्यू थिंग्स ऑफ टूडेज लेक्चर। क्लियर? सो आप लोग, अच्छा होगा कि प्रीवियस लेक्चर को देख लें, उसके बाद ही इस लेक्चर पे आए। सो आई विल प्रोवाइड द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी। फिर भी समझ में आ जाएगा, लेकिन और भी अच्छे से आपको क्लैरिटी करनी है तो प्लीज़ वॉच द प्रीवियस लेक्चर देन कम टू दिस लेक्चर। सो वी विल स्टार्ट एंगुलर मोमेंटम। सो वॉट डू यू मीन बाई मोमेंटम? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड वॉट इज मोमेंटम। What is the meaning of momentum? Momentum, नाम से ही पता चल रहा है, momentum means total body movement contained. Momentum means total body, total movement contained इन अ बॉडी। क्लियर? तो टोटल मूवमेंट कितना है बॉडी के अंदर, ये कौन बताता है हमको? मोमेंटम। एंड आपने पढ़ा था लीनियर मोमेंटम क्या होता है, विच इज डिनोटेड बाई पी एम इंटू वी, मास टाइम वेलोसिटी। हायर द वेलोसिटी, हायर इज द मोमेंटम, नॉट मोमेंटम, इट इज अ लीनियर मोमेंटम। हायर इज द मास, हायर इज द लीनियर मोमेंटम, हायर इज द मूवमेंट कंटेन इन दैट बॉडी। क्लियर? तो एंगुलर मोमेंटम ये कोई नया टर्म नहीं है। क्लियर? आप लोगों ने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था F इज इक्वल टू dp ओवर dt पढ़ा था आपने, दैट इज इन द लॉज ऑफ मोशन। और आपने ये सब कहाँ पढ़ा था? इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया था मैंने। Then at that point I tell you about this. मैंने आपको F is equal to dp upon dt ये सब किस में था? Linear motion में। But angular momentum means what? Momentum in the rotation, momentum in the turning effect. Clear? Angular नाम समझ रहे? Momentum in the rotation condition. Fan movement कर रहा है। Clear? It is moving in the टर्निंग इफेक्ट, इट इज मूविंग इन द सर्कुलर पाथ, इट हैज सम मोमेंटम एंड दैट मोमेंटम इज नेम्ड एज एंगुलर मोमेंटम। इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन, नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द लीनियर मोमेंटम बट ऑल्सो डिपेंड ऑन द एक्सिस। जितनी भी क्वान्टिटी आप लोग रोटेशन मोशन में पढ़ेंगे, ऑल दीज डिपेंड्स ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जब तक एक्सिस डिफाइन नहीं होगी तब तक आप ये नहीं बता पाएंगे कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होगा, इसका एंगुलर मोमेंटम ये होगा, टॉर्क ये होगा। ऑल पैरामीटर्स लाइक टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर एक्सलरेशन एल, दैट इज द एंगुलर मोमेंटम, डिपेंड्स ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अनटिल एंड अनलेस आपका एक्सिस डिफाइन नहीं होगा तब तक आप ये सभी क्वांटिटीज को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। यही डिफरेंस है रोटेशन मोशन में और लीनियर मोशन में। रोटेशन में क्या होता है कि यहाँ एक्सिस होती है, लेकिन लीनियर मोशन में वी विल नॉट टॉक एनी एक्सिस, बट इन द एंगुलर मोमेंटम वी टॉक एक्सिस। सो ऑल दीज वेरिएबल्स डिपेंड्स ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट, पिछले लेक्चर में अगर किसी को डाउट हो प्लीज़ आस्क, then we will move to the topic. Clear? So write down, we will see very very important topic and in a very very simple way. Write down angular momentum of a
पार्टिकल ऑफ अ पार्टिकल अबाउट ए पॉइंट ओ इज गिवन बाई एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी. अ रिजिड बॉडी, कोई भी रिजिड बॉडी इज मेड अप ऑफ सो मैनी पार्टिकल्स. फॉर एग्जाम्पल दिस डस्टर इज मेड अप ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स. कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिलाने से क्या बना? डस्टर. तो अगर आपको इस डस्टर का, इस पूरी की पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिंगल पार्टिकल का मोमेंटम क्या होगा. उसको आप समेशन करके यू कैन ईजिली कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम. लाइक यू कैलकुलेट द टॉर्क ऑफ अ बॉडी. आपने बताया था टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा. ये कैसे आया था? मैंने आपको पूरा ड्राइव कराया है, प्लीज़ वॉच दैट लेक्चर. उसमें पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है कि टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा का मीन्स क्या है. दिस इज द टॉर्क ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट द सर्टेन एक्सिस. तो हमने वहाँ भी क्या किया था, एक सिंगल पार्टिकल का टॉर्क निकाला था. देन वी डू समेशन एंड ईजिली कैलकुलेट द टॉर्क ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन. इन द सिमिलर वे वी विल कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट ओ. वी विल कैलकुलेट फर्स्ट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिंगल पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट ओ. वेन एवर इट इज मैंशन अबाउट अ पॉइंट ओ. कभी भी अगर अबाउट अ पॉइंट ओ का मीन्स बोल रहा है अबाउट अ पॉइंट ओ, ओ इज द ओरिजन, इट मीन्स उसके अबाउट पूछ रहा है. यानी क्या है वो, क्या है पॉइंट? एक्सिस है बेसिकली. ये अबाउट लाइन भी हो सकता है. हम लाइन, किसी लाइन को क्या बोलते थे? एक्सिस. क्लियर? वही एक्सिस अगर आपको इस बोर्ड पर शो करनी है, देन एक्सिस बेसिकली ऐसे होगा. अब इसको अगर शो करना है इस प्लेन ऑफ द बोर्ड पे, देन इट इज डिनोटेड बाय सिंगल पॉइंट, दैट इज ओ. इसको हम ओरिजिन भी बोलते हैं. समझ आया? ये ओरिजिन है ओ. इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको समझ में नहीं आ रहा है एक्सिस कहाँ है. एक्सिस बेसिकली ये है, दिस इज द एक्सिस. अब इस एक्सिस को मैं बोर्ड पर दिखा नहीं सकता, कैसे बनाऊंगा? देन डैट इज एक्सप्रेस बाय सिंगल पॉइंट. क्लियर? नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट ओ विच इज गिवन बाई एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी. फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई पार्टिकल है, लेट अस सपोज दिस पार्टिकल पी एंड दिस इज मूविंग अलोंग दिस लाइन, मूविंग एट वेलोसिटी वी. लेट अस सपोज इसको मान लीजिए वी मान लीजिए, ठीक है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है एंड दिस इज मूविंग अलोंग दिस लाइन. पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ये ओरिजिन है, यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या है? वेरिएबल को ध्यान से नोट कर लेना, ये दिस इज ओ पी. क्लियर? तो यहाँ से अगर हम इसको एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो कैसे निकालेंगे? एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द आर क्रॉस पी. आर क्या है बेसिकली, लिख लीजिए आर क्या है, राइट डाउन वेयर पी वेक्टर लिखिए पहले. पी वेक्टर इज द लीनियर मोमेंटम. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, यही हमको दूसरों से अलग करेंगी. लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, लीनियर मोमेंटम ऑफ द पी वेक्टर इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल. क्लियर? आर वेक्टर क्या है? आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल. कहाँ से लेना है? From the given point O. यहाँ तक क्लियर हुआ किसी को कोई डाउट? From the given point O. Okay. Now
अगर मेरे को ये पार्टिकल है एंड दिस पार्टिकल इज़ मूविंग अबाउट दिस लाइन, आई नीड टू कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल. तो कैसे निकालेंगे? सिंपल है, एल इज इक्वल टू आर. आर कितना है? ओ पी वैक्टर, ओ पी क्रॉस मोमेंटम कितना होगा इसका? एम वी. अगर आप वेक्टर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे. अब इसको मुझे क्या करना है? ओ पी एम वी साइन थीटा. क्रॉस प्रोडक्ट तो खोलना आ गया ना. ध्यान से देखिए, अब क्या है ये? एम वी ओ पी साइन थीटा. अब ओ पी साइन थीटा बेसिकली है क्या है? देखिए, ओ पी साइन थीटा, इफ दिस इज थीटा एंड दिस इज कितना माना आपने ए. नोटेशन ध्यान रखना. यहाँ से अगर मैं साइन थीटा निकालूँ तो क्या आएगा? साइन थीटा, साइन थीटा क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ओ ए डिवाइड बाई हाइपोटेनस क्या होगा? ओ पी. ओ पी तो ओ ए क्या, ओ ए किसके इक्वल हो गया? ओ पी साइन थीटा. ध्यान से देखना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ रिजल्ट आपको मिलेगा यहाँ से. एल वेक्टर बेसिकली क्या हुआ? एम वी मल्टीप्लाई ओ पी साइन थीटा किसके इक्वल हो गया? ओ ए के. समझाया? ये वेक्टरली मैंने सॉल्व किया है. आप इसको मैग्नीट्यूड वाइज भी सॉल्व कर सकते हैं. इसका अगर डायरेक्शन निकालना वही बताऊंगा, लेकिन पहले आप मैग्नीट्यूड समझ लीजिए. जब तक मैग्नीट्यूड नहीं आएगा समझ में, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा. ठीक है, इस OA को क्या मान लेता हूँ? जनरल में मान लेता हूँ स्मॉल r. तो यहाँ से मेरा L क्या आ गया? एम वी आर. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रिजल्ट जो आपको याद रखना है. L इज इक्वल टू एम वी आर. लेकिन इस रिज़ल्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी रिज़ल्ट के बेस पे आप डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे. याद रखना, कंफ्यूज मत होना. ये आर, आर क्या है? ये आर डिफरेंट है, और एल क्या है? बेसिकली मैग्नीट्यूड है एंगुलर मोमेंटम का. एल वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी क्रॉस एम वी. ये वैक्टर ली है, ये इसका मैग्नीट्यूड है. डायरेक्शन ही बताऊँ कैसे निकालते हैं. तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं क्या चीज़ है. एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल आया? आई विल राइट हेयर, लिखिए थोड़ा. तो एंगुलर मोमेंटम बेसिकली किसके इक्वल आया? एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ गया? एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इसका मैग्नीट्यूड ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, विच इज इक्वल टू क्या आएगा? देखिए, एम वी आर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई क्या आएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस राइट डाउन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ मोशन फ्रॉम ओ, फ्रॉम ओ. बहुत ध्यान समझिए, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है किसी भी एंगुलर मोमेंटम का, तो सिंपल है, आपको लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ मोशन फ्रॉम ओ. क्लियर? तो ये चीज़ ध्यान से देखनी है, समझनी है, कि लीनियर मोमेंटम तो आपको पता होगा एम वी,
मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ मोशन। आप देखिए ये लाइन ऑफ मोशन का मतलब क्या है, ये लाइन ऑफ मोशन बेसिकली है क्या है कि जिस ये क्या है जिस लाइन के अबाउट मोशन हो रहा है, तो इसी लाइन के अबाउट तो पार्टिकल जा रहा है। देखिए सो दिस इज द लाइन ऑफ मोशन, क्लियर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ मोशन फ्रॉम ओ, तो देखिए दिस इज द लाइन ऑफ मोशन, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओ, तो यही तो होगी, समझाया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ मोशन फ्रॉम ओ, ओ से, तो देखिए ये मेरी लाइन ऑफ मोशन हो गई, ये मेरा ओ एक्सिस हो गई, मतलब ओ मतलब एक्सिस। तो मेरा अगर मोशन इस इधर हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, यही तो होगा आर, ठीक है, समझाया। कुछ था इस क्वेश्चन में बताइए, क्वेश्चन के अंदर कंसेप्ट में बहुत आसान है, ध्यान से सुनिए फिर से। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एम वी लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ मोशन जिस लाइन के अबाउट पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ, यानी कि फ्रॉम एक्सिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, यही तो होगी आर, और मोशन किस में हो रहा है, ये लाइन के अलावा, देख रहे हैं आप, ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब कोई पूछता है हमसे कि व्हाट इज द डायरेक्शन, तो देखिए अभी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात को समझिए, डायरेक्शन तो बहुत आसान, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओ, क्लियर। तो यहाँ से आपने मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया, सो ये मान के चलिए आधा चैप्टर तो आपने सॉल्व ही कर दिया, कुछ है ही नहीं आगे, अब समझाए। किसी को कोई डाउट अभी तक बताइए, एनी डाउट प्लीज आस्क, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो प्लीज कैन आई आस्क यू वन थिंग, आपको मैंने राइट हैंड थंब रूल बताया था, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे पूछूं हाउ टू कैलकुलेट द डायरेक्शन, तो आप बता सकते हैं L वेक्टर इज इक्वल टू R क्रॉस डायरेक्शन, देखो कैसे निकालना है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। P वेक्टर क्या लिख सकते हैं, एम वी वैक्टर, एम बाहर ले लेंगे तो R क्रॉस V, तो ध्यान रखिए इसमें R क्रॉस V निकालिए, वहाँ से डायरेक्शन पता चलेगी, मैग्नीट्यूड निकालना सीख गए ना, R क्रॉस V कैसे निकालना है, देखिए मान लीजिए ये कोई एक्सिस है, ये कोई एक्सिस है, मान लीजिए O पॉइंट है, मेरा पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, V वेलोसिटी है इसकी, तो R वेक्टर क्या होगा, यही तो होगा R वेक्टर, वेक्टरली ध्यान रखना, वेक्टरली बात कर रहा हूँ मैं, तो अगर R को आगे थोड़ा और ले जाइए, R R वेक्टर की डायरेक्शन ही होगी, तो R क्रॉस भी कैसे आएगा, देखिए ध्यान से देखिए क्या होगा, बताइए बताइए R क्रॉस भी, राइट हैंड थंब रूल, देखिए R से देखिए ये मेरा फिंगर्स किसकी तरफ हो गई, R की तरफ, देखिए ध्यान से ये मेरी फिंगर जो है, ये मेरी फिंगर्स, ये वाली फिंगर देखिए मेरी R की तरफ हो गई, और ये जो मेरा पाम है, पाम मेरा वेलोसिटी की तरफ है, अंगूठा कहाँ जा रहा है मेरा, इनसाइड, देख सकते हैं, देख रहा है मेरा अंगूठा कहाँ जा रहा है, इनसाइड, तो डायरेक्शन कहाँ होगी, डायरेक्शन इज क्रॉस से दिखाएंगे इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन। अगर ये भी ना निकालना आए तो सिंपल R वेक्टर निकालना, वेलोसिटी निकाल लेना वेक्टरली, R वेक्टर और V के बीच में एंगल देख लेना पहले, तो क्लियर। तो एक तो राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं, और कैसे निकाल सकते हैं, स्पीड रूल पढ़ाया था मैंने आपको, R वो रहा V ये रहा, R क्रॉस V यानी R से V की तरफ जाना है, तो स्क्रू कैसे घूमेगा, इनसाइड ही तो जाएगा, देखिए स्क्रू कैसे घूमेगा, R से V की तरफ जाना है, तो R से V की तरफ ऐसे तो जाएंगे, तो स्क्रू कहाँ जाएगा, इनसाइड,
तो डायरेक्शन क्या होगी, इनटू द प्लेन। तो डायरेक्शन समझना क्या, मैग्नीट्यूड बहुत आसान है, मैग्नीट्यूड निकालना होगा इसका। तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ व्हाट, मूवमेंट ऑफ लाइन ऑफ मोशन फ्रॉम एक्सिस। समझा गया यहाँ तक कोई किसी को डाउट? देखो ये छोटी छोटी चीज़ें, अगर इसको समझ गए ना कहीं भी नहीं फंसोगे, आई एम डैम श्योर। यहाँ का पढ़ा हुआ बच्चा इस क्वालिटी की अगर एजुकेशन लेके जा रहा है वो कहीं भी मात नहीं खाएगा, इतना मैं कह सकता हूँ मैं। क्लियर? सो यहाँ से आपको एंगुलर मोमेंटम क्लियर हुआ। अब देखिए ध्यान से, राइट डाउन फ्यू थिंग्स द कंपोनेंट ऑफ R cross P along the line AB is called the angular momentum of the particle, angular momentum of the particle about AB। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिए। द पॉइंट O may be chosen anywhere on the line AB। अब देखिए ध्यान समझिए, यहाँ तक क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट? देखिए ये मेरी कोई लाइन है, एक्सिस है AB। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं इसका कोई भी पॉइंट ले लूँ इस लाइन पर, अगर एंगुलर मोमेंटम निकालूंगा किसी भी पॉइंट के अबाउट वो सेम ही आएगा। मैंने मान लिया ओरिजिन O, AB डैश 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 मैंने दिखाया, इसका मतलब क्या, ये आउट ऑफ द प्लेन है। समझा गया? तो R क्रॉस P, जैसे मान लीजिए मेरा ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो R ये होगा R वेक्टर, OP। तो देखिए ये मेरा R हो गया और ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया। यहाँ से अगर आप R क्रॉस V निकालेंगे तो देखना वो एक्सिस के अलोंग होगा। कैसे एक्सिस को अलोंग का मतलब क्या है, जो R क्रॉस P का जो कंपोनेंट होगा एक्सिस के लाइन के अलोंग, वही क्या है, एंगुलर मोमेंटम है अबाउट AB। मतलब क्या है कि मेरी एक्सिस ये है और अगर R क्रॉस P मैंने निकाला, उसका कंपोनेंट R क्रॉस P निकाला, मान लीजिए मेरा ये आया R क्रॉस P, तो आप देख रहे हैं कि मेरा जो R क्रॉस P है उसका डायरेक्शन वो कहाँ है, अलोंग द लाइन AB, इस एक्सिस के अलोंग है। देखिए R क्रॉस P अगर निकालेंगे, मान लीजिए एक्सिस मेरा इनसाइड हो, मान लीजिए R क्रॉस P मेरा ऐसे जा रहा है, तब भी देखिए एक्सिस के अलोंग है, मतलब एक्सिस के पैरेलल है। तो याद रखना R क्रॉस P एंगुलर मोमेंटम नहीं है, उसका जो कंपोनेंट है एक्सिस के अलोंग, दैट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट दैट एक्सिस। सुना है? अगर आपने R, मान लीजिए वेलोसिटी ये रही और R ये रहा, R क्रॉस B निकाला, क्लियर? अगर मैंने R क्रॉस, ये मान लीजिए पार्टिकल है P, अगर मैं R क्रॉस B निकालूंगा, R क्रॉस B और मेरी एक्सिस देखिए ये है, क्लियर? मेरी एक्सिस ये है और R क्रॉस B अगर मैं निकालूंगा तो देखिए आपका जो, देखिए R क्रॉस B जो है उसका लाइन, R क्रॉस B क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है एंड इट इज़ अलोंग द लाइन AB, इस AB लाइन के अलोंग है। क्लियर? समझ आ रहा है आपको?
तो ट्राई टू फोकस हेयर, क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, कंपोनेंट ऑफ आर क्रॉस पी, अब देखो आर क्रॉस पी निकाला आपने, यहाँ पूरा का पूरा आर क्रॉस पी इस लाइन के अलॉन्ग है, देखिए ये आर क्रॉस पी है मेरा अंगूठा जिस डायरेक्शन में, और ये पूरा का पूरा इस एक्सिस के अलॉन्ग है, देन दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट ओरिजिन ओ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आर क्रॉस पी पूरा का पूरा इसके अबाउट एक्सिस के अलॉन्ग आए, कभी कभी क्या होगा कि हमारा आर क्रॉस पी का डायरेक्शन कुछ और होगा, लेकिन हमको क्या निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, देन वी हैव टू टेक द कंपोनेंट ऑफ आर क्रॉस पी अलॉन्ग दैट लाइन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरा एक्सिस ये है, मेरा एक्सिस है ए बी, और मान लीजिए आपने एल की वैल्यू निकाली, एल वैक्टर निकाला, वो एल वैक्टर मान लीजिए एक्सिस से थीटा एंगल पर आ रहा है, तो आपने निकाला, आपने कहा कि भैया मैंने एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया और ये है भैया एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट दिस एक्सिस ए बी। रॉन्ग, मैंने क्या बोला, द कंपोनेंट ऑफ व्हाट, द कंपोनेंट ऑफ आर क्रॉस पी अबाउट द लाइन, कंपोनेंट लेना है, तो कंपोनेंट क्या होगा इसका, एल कॉस थीटा। ये जो एल कॉस थीटा है ना, ये है इसका एंगुलर मोमेंटम उस पार्टिकल का अबाउट दिस लाइन ए बी, समझा गया। ये इसी में नहीं, एंगुलर मोमेंटम की बात नहीं कर रहा, सेम अप्लाई इन टॉर्क, सेम अप्लाई इन एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ हम लोग किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, किसी भी वेरिएबल को, रोटेशन वेरिएबल को किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन विद रेस्पेक्ट टू द एक्सिस, समझा गया। ओके, राइट डाउन अनदर इक्वेशन, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो प्लीज़ आस्क, किसी को कोई डाउट हल्का था अभी तक पूछ लीजिए, किसी को कोई डाउट हो तो। ओके, आई कैन रफ। नाउ सी, अभी तक हमने सिर्फ सिंगल पार्टिकल के बारे में पढ़ा था, नाउ वी विल मूव टू द होल बॉडी, पूरी बॉडी का क्या होगा। तो अगर आपको पूरी बॉडी का निकालना है, देन यू नीड टू इंटीग्रेट, नॉट इंटीग्रेट, यू नीड टू दैट समेशन। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा क्या है, एक रिजिड बॉडी है, दिस इज द रिजिड बॉडी एंड दिस इज द एक्सिस, दिस इज द एक्सिस, मान लीजिए ए बी, एक्सिस कैन बी लाइन, एक्सिस कैन ऑल्सो बी डिनोटेड बाई पॉइंट ओ। मान लीजिए ये रिजिड बॉडी है और इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये रिजिड बॉडी, ध्यान समझना। मैंने मान लिया, कंसिडर ए पॉइंट पी विच इज एट अ डिस्टेंस, कंसिडर ए पार्टिकल हैविंग मास एम आई एंड इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी वी आई एंड इट इज़ एट अ डिस्टेंस आर आई फ्रॉम द एक्सिस। और ये क्या कर रहा है, एक मैंने बताया था रिजिड पार्टिकल, रिजिड बॉडी में अगर रिजिड बॉडी मूव कर रही है, उसके जितने ही पार्टिकल्स होते हैं ऑल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। तो अगर कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल पी, बताइए क्या होगा एम, बताइए क्या होगा आर, बताइए परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रहा है, क्या बताया था मैंने, मोशन मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ, किसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उसका एक्सिस से, कितना है आर आई तो है, क्लियर। ये क्या हो गया, इस एक सिंगल पार्टिकल का हो गया। अगर आपको और वी आई दी है वेलोसिटी, यहाँ से वी आई की वैल्यू क्या होगी, वी आई इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर आई इंटू ओमेगा, ओमेगा तो कांस्टेंट रहेगा सभी पार्टिकल्स का, आर आई इंटू ओमेगा इंटू आर आई, क्लियर। ये क्या हो गया, ये एक सिंगल पार्टिकल का हो गया। अगर मैं इसको समेशन कर दूंगा एम आर आई स्क्वायर इंटू ओमेगा I इज़ इक्वल टू वन से टोटल पार्टिकल्स, तो मुझे क्या मिल जाएगा, पूरी की पूरी रिजिड बॉडी का
एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। सिंस ओमेगा इज कॉन्स्टेंट आई कैन टेक इट आउटसाइड एम आर आई स्क्वायर। दिस एम आर आई स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल रिजिड बॉडी। वॉट इज आई? आई इज द आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल रिजिड बॉडी अबाउट दिस एक्सिस ओ, एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। नोट डाउन एंगुलर वेलोसिटी। आई क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट द एक्सिस ए बी, अबाउट द एक्सिस ए बी। क्लियर? किसी को डाउट बताइए, यहाँ तक किसी को डाउट हो, देन वी विल मूव टू द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बताइए बताइए, किसी को कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट वी मूव टू द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे आपने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, सेम ऐसा ही है। तो कोई मुझे बता सकता है व्हाट यू स्टडी इन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? क्या पढ़ा था आप लोगों ने, बता सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में आपने ये पढ़ा था, इफ द एक्सटर्नल टॉर्क, नॉट एक्सटर्नल टॉर्क, इफ द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, इफ देर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, देन इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ये सब मैंने पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी की पूरी सेंटर ऑफ मास की, अगर किसी ने नहीं देखी प्लीज़ वॉच। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर मान लीजिए मुझे आर आई क्रॉस पी आई इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिंगल पार्टिकल। अब मान लीजिए मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है पूरी बॉडी का, तो मुझे इसका समेशन करना होगा, देन वी गेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द होल रिजिड बॉडी। वी विल डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी। क्लियर? नाउ सी डीएल ओवर डी टी, यहाँ क्या आएगा? समेशन को अंदर ले जाएंगे, क्या आएगा देखिए, डी आई ओवर डी टी क्रॉस पी वेक्टर प्लस आर आई क्रॉस डी पी आई ओवर डी टी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए डी आर आई ओवर डी टी क्या हो गया, ये वेलोसिटी हो गई प्लस मोमेंटम आर आई क्रॉस डी पी आई ओवर डी आई। ध्यान से देखिए, ये चीज़ क्या हो गई, दिस बिकम ज़ीरो। क्यों ज़ीरो हुआ? वी आई क्रॉस पी, पी क्या होगा, एम इंटू वी आई, और सेम वेक्टर है उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या रहेगा, ज़ीरो। पैरेलल वेक्टर है वी आई क्रॉस वी आई, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से डी एल ओवर डी टी क्या आएगा, डी एल ओवर डी टी क्या आएगा, समेशन आर आई क्रॉस डी पी आई ओवर डी टी। अब डी पी आई ओवर डी टी क्या है बेसिकली, डांस देखिए, कुछ आपको समझ में आ रहा है क्या है बेसिकली? ये इस पूरी की पूरी चीज़ को अगर आप देखेंगे, बेसिकली दिस इज द टाओ, ये टाओ है पूरा, देख रहा है कैसे टाओ है? देखिए डी पी आई ओवर डी टी क्या है, एफ आई। क्लियर? ये क्या है बेसिकली, एफ आई है ना,
डी एल ओवर डी टी किसके इक्वल आएगा, समेशन आर आई क्रॉस एफ आई, और समेशन आर आई क्रॉस एफ आई में एफ आई क्या होता था मैंने आपको पढ़ाया था, एफ आई इज द टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, लिख लो इसको, एफ आई क्या है बेसिकली, एफ आई वैक्टर, एफ आई क्या है, एफ आई वैक्टर क्या है, राइट डाउन, इट इज द टोटल फोर्स, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द, एक्टिंग ऑन द आईएथ पार्टिकल, आईएथ, आईएथ पार्टिकल, राइट डाउन आईएथ पार्टिकल, टोटल फोर्स में याद रखना एक्सटर्नल फोर्स प्लस जितने भी नेबरिंग पार्टिकल हैं जो उस पर फोर्स लगा रहे हैं इंटरनल फोर्स, वो भी ऐड हो जाएगा. सो इट कंप्राइज्ड ऑफ टोटल एक्सटर्नल फोर्स एंड टोटल इंटरनल फोर्स. क्लियर? तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो प्लीज़ मुझे बताइए. एंड दिस इज़ द टॉर्क. आपने पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था इन द लेक्चर नंबर 3 टॉर्क एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. वहाँ मैंने आपको ये बताया था कि जो भी टॉर्क होता है, नेट टॉर्क जो भी आता है किसी भी रिजिड बॉडी में, इट इज़ नॉट ड्यू टू द इंटरनल फोर्स, इट इज़ ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी. समझा गया? तो उस फोर्स को आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये लेक्चर को ढंग से देखेंगे प्रॉपरली तो आपको एक एक चीज़ क्लियर होगी. तो यहाँ ये जो पूरा क्वांटिटी लिख रहा है आर आई क्रॉस एफ आई, आर आई क्रॉस एफ आई जो लिखा हुआ है ये क्या है, समेशन ऑफ आर आई क्रॉस एफ आई, इसका जो वैल्यू है ये जो निकलेगा यहाँ से डी एल ओवर डी टी इज इक्वल टू टाओ एक्सटर्नल. क्लियर? टाओ एक्सटर्नल. अब मैं आपको कंपेयर कर सकता हूँ यहाँ से, आई कैन कंपेयर, यहाँ से मैंने कंपेयर करा डी एल ओवर डी टी इज इक्वल टू टाओ एक्सटर्नल, और टाओ एक्सटर्नल मैंने कहा था टाओ इज इक्वल टू आई अल्फा. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना. लीनियर मोशन में आपने पढ़ा था डी पी ओवर डी टी, लीनियर में क्या पढ़ाया था, एफ एक्सटर्नल, ये पढ़ा था. क्लियर? एंगुलर में सिर्फ टॉर्क आ जाता है. अब यहाँ से एक चीज़ पता चल रही है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, इफ द, याद रखना ये टाओ एक्सटर्नल का मतलब ये नहीं है कि एक सिंगल पार्टिकल का है. टाओ एक्सटर्नल क्या है इसको लिख लीजिए, टाओ एक्सटर्नल, टाओ एक्सटर्नल लिखिए इज द, अगर आप वेक्टर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, डी एल वैक्टर इज इक्वल टू टाओ एक्सटर्नल आई अल्फा, अल्फा वैक्टर ली, तो इसमें लिख लीजिए टाओ एक्सटर्नल क्या है बेसिकली, टाओ एक्सटर्नल, राइट डाउन टोटल टॉर्क, टाओ एक्सटर्नल इज द टोटल टॉर्क ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, टोटल टॉर्क ऑन द सिस्टम ड्यू टू, ड्यू टू ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, ड्यू टू ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम, एक्टिंग ऑन द सिस्टम. क्लियर? तो अगर मान लीजिए एक्सटर्नल, इफ टाउ एक्सटर्नल इज जीरो, नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, एक्सटर्नल टॉर्क का रिजल्ट है नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी जीरो, देन डी एल ओवर डी टी इज जीरो, मीन्स चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम इज जीरो, एल आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल एफ, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, एंड दिस इज नोन एज, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, समझाया। तो इसके आगे हम लोग एंगुलर इंपल्स हुआ, काइनेटिक एनर्जी हुई, वी विल डील इन द अपकमिंग टॉपिक। तो एंगुलर टॉपिक जो भी था एंगुलर मोमेंटम का, इट इज़ कंप्लीटेड फ्रॉम माय साइड। बहुत आसान है और ज़्यादा कठिन भी नहीं है, एक एक लेक्चर को प्रॉपरली देखोगे तो इट्स माय प्रॉमिस। फोकस के साथ अपने प्रॉपर नोट्स बनाओगे, एक साइड बुक कंसिडर करिए, प्लस वॉच माई लेक्चर, एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। और जो भी डाउट हो प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ आस्क ऑन द फिजिक्स डाउट्स ग्रुप, डिस्क्रिप्शन में देता हूँ मैं आपको, ताकि आप लोग अपने ग्रुप अपने डाउट्स जितने भी हैं उनको क्लियर करें। जब तक आप अपने डाउट्स क्लियर नहीं करेंगे तब तक कुछ फ़ायदा नहीं पढ़ने का। सो प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ वॉच द लेक्चर टिल एंड एंड विद मोर फोकस एंड मेक योर प्रॉपर नोट्स एंड आस्क योर डाउट्स ऑन द ग्रुप। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर सच लव। अगर आपको हल्का सा भी लेक्चर को कुछ समझ में आया हो या फिर आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, जितना आप लाइक करेंगे, जितना शेयर करेंगे, उतना ही अदर लोगों को भी बेनिफिट मिल पाएगा। हमको सिर्फ नॉलेज अपने तक नहीं रखना, वी हैव टू शेयर, क्लियर, वी हैव टू शेयर आवर नॉलेज, वी हैव टू हेल्प अदर्स। तो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।